मामला संविदा कर्मियों को बिना किसी कारण से हटाने का जोरा शासकीय स्नातक महाविद्यालय जोरा की प्रभारी प्राचार्य वसुंधरा गोयल माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित एक आदेश की अवहेलना करते हुए उसका पालन नहीं कर रही है। न्यायालय के आदेश का पालन करने हेतु महाविद्यालय में संविदा के रूप में पूर्व में कार्यरत 4 संविदा कर्मियों द्वारा लिखित रूप से प्राचार्य को आवेदन भी दिया गया है। प्रार्थीगणों हेमंत पराशर, पीयूष जैन, प्रशांत शुक्ला, विकास वर्मा द्वारा 25 जुलाई 2024 को महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य वसुंधरा गोयल को दिए गए आवेदन में लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ ग्वालियर के द्वारा प्रार्थीगण की रिट अपील क्रमांक 971/2022 में पारित आदेश दिनांक 1 जुलाई 2024 के पालन में प्रार्थीगण 2014 से प्रयोगशाला टेक्नीशियन के पद पर संविदा आधार पर शासकीय महाविद्यालय जोरा में विधिवत चयन उपरांत कार्यरत थे। हाईकोर्ट के आदेश अनुसार 90 दिन के अंदर संविदा कर्मियों को फिर से रखने का आदेश है। करीब 2 महीने निकालने के बाद भी आज दिनांक तक प्राचार्य के द्वारा हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। हाईकोर्ट के आदेश अनुसार प्रत्येक प्रार्थी को ₹20,000 हर्जाना एवं पिछला भुगतान किया जाए। शासकीय डिग्री कॉलेज जोरा में वसुंधरा गोयल सन 1989 से पदस्थ हैं और इस पूरी कॉलेज को अपनी जागीर समझ बैठी हैं। शासकीय डिग्री कॉलेज जोरा के प्रत्येक कार्य में उनके पति का दाखिल रहता है। उनके प्रभारी प्राचार्य की जांच SDM जैसे किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाए तो उनके द्वारा किए गए नियम विरुद्ध कार्यों की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में परीक्षाओं के दौरान 5 फर्जी परीक्षार्थियों द्वारा पेपर दिए जाने की बात भी सामने आई थी। न्यायालय के आदेश अनुसार अभी भी करीब 1 महीने का समय बचा हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? हेमंत पराशर। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या ये है कि हमने 2014-15 में संविदा पद पर हमने वहाँ पर काम किया है जोरा कॉलेज में। कौन सी कॉलेज है, क्या नाम है? जोरा डिग्री महाविद्यालय। उसमें हमने काम किया है, विधिवत हमारी पोस्टिंग वहाँ पे हुई है और विधिवत पूरी कार्रवाई से हमारी वहाँ पे, लेकिन बिना किसी कारण से वहाँ की जो प्रभारी प्राचार्य हैं श्रीमती वसुंधरा गोयल, उन्होंने हमको हटा दिया। एक जनवरी 2017 को। क्या कारण रहा हटाने का? कोई कारण आज तक पता ही नहीं पड़ पाया है, ना बताया है, कोई कारण नहीं बताया। इस वजह से हम न्यायालय क्या कार्रवाई की, इसके बाद फिर न्यायालय की शरण में गए। 7 साल हो गई लगातार लड़ते लड़ते, 7 तो वकील चेंज हो गए हमारे, तब जाके डबल बेंच से हमारा निर्णय आया है। वो हमारे पक्ष में सुनाया है। उन पर जो वो लगाई है पेनल्टी लगाई गई है, तो मैडम से कहा है इनको रखने के आदेश दिए गए हैं, हमने मैडम को रिसीविंग भी करवा दिए, लेकिन मैडम ने आज तक कोई रेस्पॉन्स दी नहीं है, ना हमसे कोई ढंग से बात करी, ना हम तो देखे उसके बाद परेशान है, घूम रहे। हाईकोर्ट से आदेश कब हुए थे? 1 जुलाई 2024। तो अभी तक उन आदेश पर उनका कोई पालन नहीं किया, कोई पालन नहीं किया गया है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विकास वर्मा है। आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है, जोरा कॉलेज में मैडम हमें लगा प्रयोगशाला तकनीशियन पर रखा हुआ था 2014 में, और 2017 में बिना किसी पूर्व सूचना और बिना किसी कारण के हमें हटा दिया गया। आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है, और अभी 1 जुलाई 2024 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हमारे पक्ष में फैसला आया है, और मैडम को कहा गया है कि इन्हें रखा जाए और पूर्व जो वेतन है वो दिया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ है। न्यायालय से जो आदेश आया उसमें कितने दिन की समय सीमा है? 90 दिन की समय सीमा दी गई है। अभी तक कितना समय निकल चुका है? 2 महीने हो चुके हैं। अभी तक मैडम ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है? कोई पालन नहीं हुआ है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम राम विशाल जाटर। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या है कि हमें 2014 में मैडम ने विधिवत कॉलेज में ज्वाइनिंग करवाई थी और जगह निकली थी, उसमें हमें सभी को रखा गया, हम 7-8 लोग हैं, सभी को रखा गया वहाँ पे। लेकिन 2017 में मैडम ने बिना कोई नोटिस दिए हुए हम सबको उठा दिया गया। उसके बाद हमने मैडम का इंतजार किया कि शायद हमें दोबारा रखें, लेकिन मैडम ने ऐसा नहीं किया, और उसके बाद हम लोग न्यायालय की शरण में चले गए। वहाँ से 7 साल केस चलने के बाद हम लोग, केस हमारे फेवर में आया और हम लोग जीत गए। मैडम पर जुर्माना किया गया है, और जुर्माने किया गया उसके बाद भी मैडम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और ना अभी तक कोई जवाब आया है मैडम का। तो मैडम कोर्ट के आदेश का पालन कर रही हैं या नहीं कर रही है? मैडम कोर्ट के पालन का कोई नहीं, आज बुक पालन कर रही है।